बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से, जहां पर दुर्गा विसर्जन के दौरान भारी हंगामा हुआ है। दो समुदायों में हिंसक झड़प हुई है, दोनों पक्षों में पथराव की घटना सामने आई है। ये हिंसा बेगूसराय की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दो गुटों में मारपीट और आगजनी की तस्वीरें। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये हंगामा और पथराव, अभी भी वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई। हालांकि पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है, कुछ लोगों को वहां से हटाया भी गया, लाठीचार्ज भी हुआ है। इसके बावजूद अभी भी पुलिस प्रशासन सतर्क है, क्योंकि ये हिंसा दोबारा भड़कने के आसार हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये सब कुछ हुआ, उसके बाद से ही इस पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यहाँ पे सुबह कुछ दुकानें हैं रोड पे, मीट बेचने का काम करती हैं, उनको नगर निगम ने बंद कराया था, क्योंकि उस रोड से मूर्ति का विसर्जन होना था। आज इसमें ऐसा पाया गया कि 5-6 दुकानदार, जिनकी दुकान बंद कराई थी प्रशासन ने, उन्हीं लोगों ने जब मूर्ति वहाँ से गुजर रही थी तो उस पर पत्थर चला दिया, और उसके बाद वहाँ पर जो जुलूस में कुछ लड़के थे उन्होंने भी उस पर रिएक्शन किया, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी, एसटीपीओ वहाँ पर थे, फोर्स भी थी, और दोनों साइड पे बल प्रयोग किया गया। उसके बाद लोग तितर बितर हो गए हैं। अब यहाँ स्थिति सामान्य है, यहाँ पे हम लोगों ने बल की प्रतिनियुक्ति कर दी है, मोटरसाइकिल टीम्स लगा दी हैं, एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। यहाँ पे अब तक करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और ये लोग वैसे लोग हैं जिनको रंगे हाथों पकड़ा गया, उनको पुलिस ने तुरंत वहाँ पे कैच किया है, अरेस्ट करके उनको डिटेन किया है, उनसे पूछताछ हो रही है, और भी इसमें वीडियोग्राफी हुई है, उन सबकी पहचान की जाएगी।